देखिए आज़म को हम लोगों ने बड़ा क्लोजली वॉच किया है, और एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको फिटनेस के ऊपर स्किल्स को आपको प्रिपेयर करना होता है। एक प्लेयर जो आपको मैच जितवा सकता है, आई थिंक दैट इज़ मोर मच मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। पास में हमारा ये ज़रूर है कि फिटनेस का लेवल होना चाहिए। इस पर हमारी आज़म खान से बात हुई है, वी आर गिविंग हिम अ वेरी क्लियर मैसेज गोइंग फॉरवर्ड कि वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन यू, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रिस्पॉन्ड एज वेल। और ऑब्वियसली आप किसी से ये बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि 10 दिनों में वो अपना 10-15 केजी नीचे गिरा लेगा, बट देयर इज़ अ वे। अभी आज़म जो है वो जाएंगे टीम के साथ, और उसके बाद क्योंकि वी हैव सीन के PSL में, डोमेस्टिक में और ऑल ओवर द लीग उनकी जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, ही इज़ अ वेरी इंपैक्ट प्लेयर। और नंबर 6 पे जिस तरह हमने कहा कि हम सब, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ ट्राई कर लिया हुआ है मोस्टली, तो हम लोग चाहते हैं कि हम आज़म को जो है वो एक चांस दें, एक मौका दें, एंड ही विल बी कम बैक। तो उनकी जो फिटनेस गोल्स हैं उनको भी हम लोग खुद मैयर भी करेंगे, और इस सीरीज के बाद जो भी टाइम मिलेगा उस पर वो हम उनको अकेडमी भी बुलाएंगे। एंड ही इज ऑलरेडी वर्किंग हार्ड इन कराची, और कम्युनिकेशन जो है वो बड़ी क्लियर है उसके साथ, तो इंशाल्लाह वो जो है वो उसमें भी आपको बेहतरी नज़र आएगी गोइंग फॉरवर्ड। शान मसूद वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोबेबल जिनका हम लोगों ने जिससे डिस्कशन हुई थी। शान को हमने देखा है, हमें पता है शान की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, बट गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास टाइम बहुत मिनिमम है, उसमें हम हर लड़के को मौका नहीं दे सकते, इसलिए शान को फिलहाल इस सीरीज़ के लिए हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर आगे अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ी एंड वी फील कि अगर वो गैप को फिल नहीं कर रहा, तो आप हो सकता है शान को इस टीम का हिस्सा देखें। भाई बहुत से गेम्सर पहले मरतबा इस सीरीज में नज़र आ रहे हैं, क्या जिस तरह भारत अपनी बी टीम तैयार कर रहा है सीरीज के पीछे, क्या उसी का आप लेके चले कि भारत की तर्ज पर हम बैकअप प्लेयर्स का तैयार करें, तो क्या यही एक है? अच्छा भाई देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपके सीनियर प्लेयर्स के साथ आपका यंग टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और दे आर द बेस्ट प्लेयर्स गोइंग फॉरवर्ड इन द कॉम्पिटिशन। हमें बिल्कुल अपना बैकअप तैयार करना है, जिस तरीके से मैंने पहले कहा ओपनिंग स्टेटमेंट में कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमने मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स ट्राई किए थे वो अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, और उनको बड़े मौके मिले। सो नाउ वी हैव टू लुक इनटू द न्यू टैलेंट वेयर वी विल सी कि वो लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो इस टीम का हिस्सा नहीं है वो आगे जाते हुए हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉम्पिटिशन इन द वर्ल्ड, और उसमें अगर कोई परफॉर्म करता है तो वी आर हैविंग आर आईज ऑन देम। बट गोइंग फॉरवर्ड हमें अपना बैकअप ज़रूर तैयार करना है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे लड़के कौन हैं, कौन जो है वो पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो दैट इज़ अनदर रीज़न कि एक तो आपको अपने जो परफॉर्मर्स है डोमेस्टिक क्रिकेट के उनको भी प्रमोट करना चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए, और उसके साथ आपके सीनियर प्लेयर्स को भी खेलना बहुत ज़रूरी है। इब्राज पे जो अपडेट है वो हो सकता है सेकंड टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल ना हो अभी भी उनके ऊपर, क्योंकि एक वीक है अभी नेक्स्ट मैच गोइंग टू द टेस्ट मैच, तो उसमें हम इंशाल्लाह जो भी क्लियरेंस आएगी वो हम पहले उसको बता देंगे कि क्या वो फिट है या नहीं है, उसके ऊपर काम हो रहा है, इज़ वर्किंग हार्ड, तो वो फुल फिंगर क्रॉस अलग करें कि वो तैयार हो। और जहाँ तक आपने बात की दूसरी शर्जील खान की, शर्जील इज़ नो डाउट अनदर वेरी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, लेकिन अगर आप देखें साइम अयूब को, अगर आप देखें फ़खर जमान को, आप देखें रिजवान को, आप देखें बाबर को, तो यू नो यू हैव ऑलरेडी हैव सम परफॉर्मर्स इन द पाइपलाइन, और उनको ऑब्वियसली अगर खुदा ना खास्ता दे आर नॉट गोइंग टू द पार्ट ऑफ द T20 स्क्वाड, तो फिर आगे दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। देखिए गोइंग फॉरवर्ड आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स मिलेगा, जिस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, और देखिए हमारा काम है कि टीम प्रोवाइड करना, जो कोच है, जो डायरेक्टर है और जो कप्तान है उनको, और ऑब्वियसली हमारे पास साहबजादा भी तो एक ओपनर है। तो देखिए गोइंग फॉरवर्ड ये देखना पड़ेगा कि वो टीम किस कॉम्बिनेशन के साथ ले कर चलते हैं और वो किसको प्रेफर करते हैं। दुनिया में अगर आप देखें तो इतनी मिसालें ऐसी हैं कि जो ओपनर्स हैं वो अपने जो अपनी डोमेस्टिक में है उसमें तो ओपन करते हैं, बट व्हेन गोइंग इनटू द इंटरनेशनल टीम व्हेन दे पिक देयर बेस्ट प्लेयर्स, तो वो लोग 5-6-7 पे भी खेलते हैं, 4 पे भी खेलते हैं, 3 पे भी खेलते हैं। तो दिस इज़ वॉट द क्राइटेरिया इज़ के नाव के ज़रूरी नहीं है कि अगर हम डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहे हैं परफॉर्मेंस की, और अगर आप निकाल लें ओवरऑल डोमेस्टिक सीजन, तो मोस्टली सारे आपको परफॉर्मेंस ओपनर ही नज़र आते हैं।
कोई आपको तीन नंबर के बाद हार्डली कोई परफॉर्मर ऐसा नजर आ रहा होगा आजम खान जैसा जो कंटिन्यूसली या स्कोर कर रहा है या खेल रहा है। तो यू नो हम ट्रैविस हेड की एक मिसाल ले लेते हैं, हम मिशेल मार्च की एक ले लेते हैं, स्टर्निस की एक मिसाल ले लेते हैं, इसी तरीके से हम लोग अगर इंग्लैंड की टीम में देखें तो लिविंगस्टन की एक मिसाल ले लेते हैं, इसी तरीके से फिल सॉल्ट भी नीचे खेले हैं। ये वो लड़के हैं जो अपने ऑब्वियसली अपनी टीमों के लिए ओपन करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल टीम तो उनको वो रोल्स दिए जाते हैं। तो अब हमें वो रोल्स जो हैं वो लड़कों को देने पड़ेंगे कि यार ये रोल्स आपके हैं, हम आपको इधर देख रहे हैं, आपने वो कैपेबिलिटी है, आपने वो कैपेसिटी है, तो अब लड़कों को हम मौका दे रहे हैं, अब होपफुली लड़के भी उस तरीके से रिस्पॉन्ड करें सो ताकि वो उनके लिए भी चीज़ें आसान हो और हमारे लिए भी चीज़ें आसान हो। देखें बिल्कुल नवाज़ को हम लोग असेस करें, नवाज़ से हम लोग बात भी करेंगे, अभी उससे बात नहीं हुई, लेकिन देखें हमें तैयार करना पड़ेगा बैकअप। नवाज़ भी काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट था कि कुछ लोग जो है वो क्रिकेट छोड़ गए हैं और पिछले चार सालों में किसी और को उस तरीके से मौका नहीं मिला कि वो आके उसको ये प्लेटफॉर्म मिला हो, तो वी आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू इट, बट गोइंग फॉरवर्ड आप हमेशा जब जाते हैं तो यू नीड एक्सपीरियंस बड़े टूर्नामेंट में, सो वी वॉन्ट नवाज़ टू परफॉर्म, ही हैज़ द केपेबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंसेज भी जो है वो अच्छी भी रही हैं बुरी भी रही हैं, लेकिन ही नीड्स टू बी कंसिस्टेंट गोइंग फॉरवर्ड। तो ये मैसेज पे हम उससे जब मेरी बात होगी तो मैं उसको कन्वे भी करूँगा एंड आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल प्लेयर और वो इन चीज़ों को समझेगा। जी हाँ सर, बड़ी अच्छी बात है, आपने यंगस्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन बड़ी मेहरबानी, आप मोस्ट सीनियर हैं, बड़ा अच्छा लगा सुनने के लिए। सवाल ये था कि आपने अच्छी कवर्सी, लेकिन बात तो वही आती है कि सेक्शन 20 तो यही रह जाती है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप बाबर और रिजवान की बात करें, आप शादाब की बात करें, आरिस रऊफ की बात करें, देखें इन लोगों की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, हम मानते हैं कि शायद ये पिछला जो वर्ल्ड कप रहा है वो या एशिया कप रहा है उस तरीके से वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम नए लड़कों को खिलाएंगे तो हम अपने पुराने लड़कों को भूल जाएंगे। आई थिंक जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं थ्रू आउट पिछले 3-4 साल में वो पूरी दुनिया उसको मानती है और हमें भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। नए टैलेंट को लाने का मकसद ये होता है कि वो उनके इर्द गिर्द खेलें ताकि उनको कॉन्फिडेंस आए, गोइंग फॉरवर्ड ये लोग अपना एक्सपीरियंस उनमें वो ट्रांसफ़र कर सकें, उन्हें बता सकें। अगर कोई भी प्लेयर अगर इस सीरीज़ में, क्योंकि जो हमारी कोऑर्डिनेशन है, अगर कोई भी प्लेयर ओपन करता है इस सीरीज़ में, अगर वो बाबर नहीं है, वो रिजवान नहीं है जैसे इन केस, और वो आके अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही विल ग्रैब दैट प्लेस। हमने देखे अक्सर क्या होता है पाकिस्तान में, ये होता है कि जब आप एक प्लेयर इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा होता है और वो किसी बीमारी की वजह से या फिटनेस की वजह से वो वाहिद मैच नहीं खेल पाता और उसकी जगह कोई और नहीं आता और वो स्कोर करता, तो हम उसको प्रेफर करते हैं। बेसिकली होना, मेरे नज़दीक होना ये चाहिए कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर उसी को वो जगह वापस मिलनी चाहिए। इसकी एक एग्जाम्पल हमने ऑस्ट्रेलिया में देखी कि मिचेल मार्श ने शौक किया, लेकिन जब ट्रैविस हेड उनके मेन प्लेयर जो ओपन कर रहे थे उनके प्लान का हिस्सा थे, जब वो वापस आए ऑस्ट्रेलिया से फिट होके वो पहला मैच खेले तो वो एज एन ओपनर ही खेले, मिचेल मार्श को जगह छोड़नी पड़ी। सो आई बिलीव इन दैट काइंड ऑफ अ कल्चर कि जिधर एक प्लेयर ने इतना ज़्यादा परफॉर्म किया था, उस पर आपने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, तो एक या दो इनिंग्स की वजह से उसको टीम से बाहर नहीं निकालना चाहिए, ना उसकी जगह जानी चाहिए। उन्होंने वहां पर आउट किए हैं, तो इसके ऊपर कोई आपकी उनसे बात हुई है कि शाहीन और ये हारिस जितने भी सीनियर प्लेयर हैं ये वहां पर जाके अपना रोल तो अदा करें कम से कम? देखिए शाहीन आफरीदी की हम हमेशा इसीलिए बात करते हैं कि शाहीन आफरीदी ने पिछले 4 साल से 5 साल से 2018 से जब वो आए उन्होंने इतनी परफॉर्मेंसेज दी है कि हमें आदत हो गई है कि शाहीन हर मैच में परफॉर्म करे। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है
एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिधर आप हर रोज़ परफॉर्म नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि शाहीन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स कभी बैड पैच आ जाता है, कभी आप कोशिश भी कर रहे होते हो लेकिन आपको उस तरीके से रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे होते। शाहीन इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय और उसको ये चीज़ों का पता है और उसको ये मैसेज दिया भी जा रहा है। और ऑब्वियसली आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, अगर इस टेस्ट मैच में शाहीन को विकेट्स मिलती, वो परफॉर्म करता अच्छा, तो शायद पाकिस्तान के रिजल्ट में थोड़ी और बेहतरी आ जाती। बट गोइंग फॉरवर्ड ही नोज ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ समबडी जिसमें बहुत फूक है, ही इज़ नॉट समबडी जो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो जाता है। उसको यही होता है कि मैं हर मैच में जाऊँ और मैं हर मैच में आउट करूँ। एंड दैट जो ये आपने बात की है उसमें हमारी उससे बात हुई है, और ऑब्वियसली वो भी बहुत टूरिज्म है कि उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको सही तरीके से जो है वो निभाए। हमें उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, हमें जल्दी जो है वो मुंह नहीं फेर लेना चाहिए, या हम लोगों को बहुत जल्दी किसी को राइट ऑफ नहीं कर देना चाहिए। ऐसे ही 5 साल की परफॉर्मेंसेस 5 मैचों से या 6 मैचों से जो है वो अकाउंटेबल नहीं होती, तो हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। एंड आई होप के गोइंग फॉरवर्ड ही विल गेट बैक इन टू हिज फॉर्म, और फिर से आप उसको इंशाल्लाह फलते फूलते देखते रहेंगे। सर वाइस कैप्टन हमने जिस तरीके से इस सीरीज में भी जब टेस्ट सीरीज थी तब अनाउंस नहीं किया था, गोइंग फॉरवर्ड भी जो हम वो जब टीम वहाँ पे पहुंच जाएगी उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमने किसको वाइस कैप्टनसी देंगे। वहाँ दौरे न्यूजीलैंड के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हो गया, लेकिन कामना और गुलाम नजरअंदाज हो गए। इस साल नेशनल T20 कप में भी उन्होंने 451 स्कोर किया, तो क्या उनकी जगह टीम में नहीं बनती? नहीं देखिए, कामरान पिछले 2-3 साल से परफॉर्म करता आ रहा है, बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि T20 में आई थिंक ही स्टिल नीड्स टाइम कि जिधर वो जो है थोड़ा सा और अपना बेहतर करे। सिर्फ आपको एट टाइम्स ये नहीं देखना पड़ता कि कोई रन्स कितने कर रहा है, एट टाइम्स आपको ये भी देखना पड़ता है कि कंडीशन स्ट्राइक रेट क्या है उसमें देखना पड़ता है। और सिर्फ एक चीज़ जो मैं अभी लास्ट में अनाउंस करूँगा, कामरान को हम इंशाल्लाह वाइड बॉल क्रिकेट में आगे ज़रूर, हमारे प्लान्स का हिस्सा है वो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन इस सीरीज़ में अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट मेक अप दैट चांस जो उसको मिलना चाहिए था। गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे T20 के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं जो इस कॉम्पिटिशन में खेले हैं, उन लोगों को हम लोग कैम्प में बुला रहे हैं और उनको हम यहाँ पर अपने सामने भी जो है उनको इंशाल्लाह देखेंगे और वो यहाँ पे होंगे। कैंप जो है वो मैं बता दूं कि 28 तारीख से 3 तारीख तक है, जब टीम ने ट्रैवल करना है, 3 तारीख को पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करेगी होपफुली। इसमें कुछ लड़के हैं जो कैंप का हिस्सा होंगे, उसमें कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ, सज्जाद अली, अहमद शहजाद, मोहम्मद हारिस, शहाब खान, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद आमिर खान और आरिफ याकूब। ये 9 प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के इस कैंप में पाकिस्तान के लड़कों को ज्वाइन करेंगे और हमें उनके ऊपर भी इंशाल्लाह पूरी नज़र रखेंगे। ठीक है जी।